हाय गाइस, जय हनुमान। जेई एडवांस का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद जोसा काउंसलिंग, जो कि अभी तक 12th ऑफ सितंबर से चालू होने वाली है, आपको पूरा 11 डेज का टाइम 21st ऑफ सितंबर तक कॉलेज के प्रेफरेंस, कॉलेज के प्रायोरिटी ऑर्डर भरने का टाइम दिया गया है। हमने आपको हमारे इस YouTube चैनल की कम्युनिटी में उन पूरे 112 कॉलेज की लिस्ट आपको दी है, सिक्वेंस के हिसाब से, कॉलेज भरने की प्रायोरिटी के हिसाब से, जो हमारा केवल आपको एक सजेशन है। हमने वहां पर उस पर्टिकुलर लिस्ट में आपको मेंशन ऊपर ऊपर किया है कि ये केवल हमारा एक सजेशन है। आप आने जाने की कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से कॉलेज के सीक्वेंस में, कॉलेज में अपने सीक्वेंस में अपने इंटरेस्ट को रिलेट करते हुए, ब्रांचेस के स्कोप को देखते हुए, कॉलेज के स्टैंडर्ड को देखते हुए, उसमें आप चेंजेस जरूर करिएगा, क्योंकि हमने जो आपको पूरा 112 कॉलेज का प्रेफरेंस का लिस्ट इस यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में जो मैंने पोस्ट किया है, वो केवल एक मेरा थॉट है, एक मेरा विचार है। पिछले सालों के फीडबैक को देखते हुए, कॉलेज के प्लेसमेंट को फीडबैक देखते हुए, बच्चों के फीडबैक को देखते हुए, वो पूरे 112 कॉलेजेस में, जिसमें 23 IIT, 32 NIT, 26 RIIT और 33 GFTI हैं, एक कॉलेज का सीक्वेंस बनाने की आपकी हेल्प के लिए कोशिश की है। लेकिन मैं सारे बच्चों को कहना चाहूंगा, वो केवल एक हमारा सजेशन है, उसमें अपने इंटरेस्ट को रिलेट को देखते हुए, आने जाने में उन बच्चों को जिन कॉलेज में सुविधा होगी, किसमें जा पाएंगे, किसमें नहीं जा पाएंगे, इन सारी चीजों को देखते हुए उसको जरूर चेंज करिएगा, क्योंकि वो केवल और केवल थॉट है। अब यहां पर एक चीज और कहना चाहता हूं, हमने 7 IIT को उसमें लगभग कह सकता हूँ, 7 की जगह मैंने उसमें करीबन 15-16 IITs को, 17 IITs को उसमें वेटेज दिया है। बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी, हैदराबाद, वाराणसी, इंदौर, गांधीनगर, रूपर, मंडी, जोधपुर, धारवाड़ और उसके बाद भुवनेश्वर, पटना तक के IIT को उसमें प्रेफरेंस दिया है। और उन 17 IITs के बाद में टॉप 3 NIT, जिसमें तिरछी, वारंगल, सूरतकल, फिर नए IIT में पलक्कड़, तिरुपति, गोवा, फिर इलाहाबाद NIT, जयपुर NIT, ट्रिपल IIT इलाहाबाद, फिर NIT कालीकट, राउरकेला, जो कि टॉप 7 NIT में आते हैं, जिनके नए IIT से एस्टेब्लिशमेंट ठीक है। उसके बाद हमने IIT धारवाड़, भिलाई, जम्मू, इस IIT को वेटेज दिया है। फिर उसके टॉप 7 के बाद के NIT, जिनमें NIT कुरुक्षेत्र, सूरत, नागपुर, भोपाल, NIT जलंधर, NIT दिल्ली, फिर 2 GFTI बिट्स मिश्रा, पैक चंडीगढ़, फिर NIT जमशेदपुर, NIT हमीरपुर, NIT दुर्गापुर, फिर ट्रिपल IIT कुछ आ गए हैं, जो कि NIT ट्रिपल IIT इलाहाबाद के बाद के ट्रिपल IIT, जिसमें ट्रिपल IIT जबलपुर, ट्रिपल IIT ग्वालियर, फिर NIT गोवा, फिर ट्रिपल IIT लखनऊ, जिसकी वैल्यू वर्थ अच्छी है, फिर कुछ दूर के NIT, जिसमें अगरतला, पटना, सिलचर, रायपुर जैसे NIT लिए हैं, फिर आपका ट्रिपल IIT में IIC शिवपुर, जो कि NIT का ही एक 32 वाला NIT है। उसके बाद कुछ ट्रिपल IIT जो कि धीरे धीरे स्टेबल हो रहे हैं, जिसमें ट्रिपल IIT कोटा, ट्रिपल IIT गुवाहाटी, फिर NIT उत्तराखंड, NIT पौंडिचेरी, जो कि नए NIT में इंक्लूडेड है। उसके बाद में कुछ ट्रिपल IIT मैंने लिए हैं, जिसमें ट्रिपल IIT वडोदरा, ट्रिपल IIT पुणे, जिसका रैंकिंग अच्छा है, फिर 2 GFTI बिट्स मिश्रा पैक के बाद के GFTI, आपका हैदराबाद यूनिवर्सिटी और आपका JNU दिल्ली, फिर आपका मैंने कुछ स्टेबल ट्रिपल IIT 12 ट्रिपल IIT लिए हैं, जिसमें ट्रिपल IIT सोनीपत, ट्रिपल IIT कांचीपुरम, ट्रिपल IIT सूरत, ट्रिपल IIT नागपुर, भोपाल, श्री सिंगम, रायचूर, श्री सिटी, फिर उसके बाद में कुछ NIT जो सबसे लास्ट के भरने वाले NIT, जिनको लोग छोड़ते हैं, जिसमें NIT श्रीनगर, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, फिर कुछ दूर के ट्रिपल IIT लिए हैं सीक्वेंस के लिए, ट्रिपल IIT कुरनूल, ट्रिपल IIT ढालवा, ट्रिपल IIT उन्नाव, ट्रिपल IIT रांची, ट्रिपल IIT कल्याणी, भुवनेश्वर, ट्रिपल IIT बागरपुर, ट्रिपल IIT अगरतला, ट्रिपल IIT, फिर जो कॉलेज है वडोदरा का, ट्रिपल IIT का, ट्रिपल IIT VCIW, फिर आपका ट्रिपल IIT कोट्टयम, ट्रिपल IIT नया रायपुर, जो सबसे लास्ट के ट्रिपल IITs हैं। फिर उसके बाद मेरे नॉर्थ ईस्ट के NIT, जिनको लोग आमूम तौर पर पसंद कम करते हैं, जिनमें NIT सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड जैसे NIT हैं, फिर ट्रिपल IIT मणिपुर, जो कि नॉर्थ ईस्ट का ट्रिपल IIT है। उसके बाद में मेरे सारे GFTI लिए हैं, जिसमें पुराने GFTI में आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर है, आपका डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, पैरेलली यहाँ पर सेंट लॉगवर है, माता वैष्णो देवी है, आपका गुरु घासीदास है, गुरुकुल कांगरी है, स्कूल ऑफ तेजपुर पुरानी यूनिवर्सिटी है, फिर आपका मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आसाम लिया है, फिर आपका IIT CRT कारपेट यूनिवर्सिटी जो भदोही है, पुराना कैंपस लिया है, फिर जो नए ट्रिपल IIT, सॉरी नए GFTI जो आ रहे हैं, जिनमें भुवनेश्वर ट्रिपल IIT है, GFTI या सॉरी पौंडिचेरी यूनिवर्सिटी है, आपका हटई रांची का कॉलेज है, फिर मैंने ट्रिपल IIT सॉरी मैनेजमेंट का अहमदाबाद का कॉलेज लिया है, फिर आपका वेस्ट बंगाल का मेटा कॉलेज लिया है, फिर HNP गढ़वाल लिया है, फिर अजवाल लिया है, फिर आपके लास्ट के ट्रिपल IIT लास्ट के GFTI सॉरी बार बार ट्रिपल IIT निकल रहा है, GFTI है, जिसमें तंजौर GFTI है, औरंगाबाद GFTI, हिमाचल प्रदेश का GFTI है, सोनीपत का GFTI है, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड टेक्नोलॉजी के नाम से है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग जो इस साल ऐड हुआ है, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी इस साल वाराणसी में ऐड हुआ है, फिर आपका भिलाई में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्नोलॉजी CWG वाला भिलाई वाला कॉलेज लिया, सबसे
क्लास में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू लिया है। तो कुल मिलाकर के ये 112 कॉलेजेस का मैंने सीक्वेंस बनाकर के यूट्यूब की कम्युनिटी पे आपको पोस्ट किया, जिसमें जोसा काउंसलिंग के प्रेफरेंस ऑर्डर को भरने में आपको काफी हेल्प मिलेगी। ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने सारे NIT को IIT को ऊपर लिया, 17 IIT के बाद कुछ NIT, फिर कुछ नए IIT लिए हैं, उसके नीचे कुछ NIT लिए हैं, फिर मैंने IIIT जोड़े, फिर GFTI, लास्ट में कुछ अच्छे GFTI जोड़े, सबसे लास्ट के GFTI, और उससे पहले मैंने काफी अच्छे IIIT जिनकी वैल्यू बहुत अच्छी है और कुछ दूर के NIT को सिक्वेंस में जमाने की कोशिश की, जो मैंने अभी आपको बताया है। लेकिन एक बार फिर बोलूंगा, YouTube पे जो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया उसका लिंक जरूर इस वीडियो में आपको शेयर करता हूं, ताकि आप डायरेक्ट क्लिक करके उस YouTube पे कम्युनिटी में जो हमने पोस्ट करी है पूरे 111 इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से आप उस पे चले जाएं और उस सिक्वेंस को समझ लें, सोच लें। एक बात मैं वापस से लास्ट में जाते थे कहना चाहूंगा, प्लीज ये हमारा केवल आपको एक हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए सिक्वेंस को बनाया है। इसमें कुछ बच्चों के फीडबैक को मैंने लिया, मैंने अपने एक्सपीरियंस को जोड़ा है, कॉलेज के वैल्यू वर्थ को जोड़ा है, उन सब चीजों को कुछ कैलकुलेट करके ये एक सिक्वेंस बनाने की आपकी हेल्प के लिए कोशिश करी। लेकिन बाद में जरूर बोलूंगा, इस सिक्वेंस को आप अपने आने जाने कनेक्टिविटी के हिसाब से, कॉलेज के प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से आप जिस कॉलेज में जा सकते हैं, जिसमें नहीं जा सकते उसको हटा सकते हैं, नीचे कॉलेज को ऊपर कर सकते हैं, कॉलेज को फेरबदल कर सकते हैं, वो आपको सोचना है। क्योंकि ये केवल एक हमारा थॉट है, ये फाइनल ये नहीं कह सकता कि आपको ऐसे ही भरना है, ऐसा मत करिएगा, ऐसा बिल्कुल एग्जैक्ट मत भरिएगा। आप जाने आने कनेक्टिविटी को देखिएगा, अपने आप को उस कॉलेज में रख के देखिएगा, अपनी कंफर्टेबिलिटी को देखिएगा, और कॉलेज के एक फीडबैक के हिसाब से अगर आपके पास कोई आउटपुट है तो उसमें फेरबदल जरूर करिएगा। लेकिन ये सोच जो हमने कॉलेज के आपको यहां दी है, ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है कॉलेज के सिक्वेंस को भरने के लिए। तो गाइज अभी तक के लिए इतना ही, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अगर इस लिस्ट में अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है। हमने पूरी कोशिश करी है इंडिविजुअल, मैंने अपना एक्सपीरियंस सारा का सारा एक्सपीरियंस, मेरे 17 सालों का जो एक्सपीरियंस है मैंने इसमें जोड़ा है कॉलेज के सिक्वेंस को बनाने के लिए। फिर भी इसमें कोई फेरबदल अगर आपको करना तो वो जरूर करिएगा, क्योंकि ये केवल हमारा एक थॉट है, हमारा सजेशन है। ये नहीं कह सकते ये मेरा डिसीजन है, कॉलेज के लिस्ट के हिसाब से मैं डिसीजन नहीं दे सकता। प्रेफरेंस भरने के लिए एक हमारा सजेशन है जो आपको हेल्प जरूर करने वाला है। चलिए गाइज मिलते रहेंगे, विश यू ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहें। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।